अगर आपके ई मित्र पे कोई भी यूजर वर्क कर रहा था, यानी कि आप अपने ई मित्र आईडी से किसी यूजर को बनाया था और वो आपके ई मित्र पे काम कर रहा था, अगर आपको नहीं पता कि यूजर क्या होता है और किस प्रकार से यूजर क्रिएट किया जाता है, तो इसी वीडियो के नीचे लिंक है, वहाँ पे क्लिक करके आप जान सकते हैं। उसके बाद यूजर क्रिएट करने के बाद कभी आपको लगता है कि उस यूजर को डिलीट करना है, वो आपके ई मित्र पे अभी काम नहीं कर रहा है, तो उसको रिलीज किस प्रकार से कर सकते हैं, तो आज की इस वीडियो में इसी के बारे में कम्प्लीट जानकारी देने वाला हूँ। तो रिलीज करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे जाना है यूजर मैनेजमेंट, उसके बाद मैनेज यूजर का आपको ऑप्शन मिलेगा, उसके बाद क्रिएट कियोस्क यूजर का ऑप्शन है, आप जस्ट यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप जब अंत में आएंगे ड्रैग करते हुए, तो यहाँ पे जो यूजर क्रिएट किया हुआ है उसकी कंप्लीट डिटेल दिखाई देंगी। तो यहाँ पे इसका एडिट का ऑप्शन है, यहाँ पे व्यू का ऑप्शन है, और यहाँ से इसे आप हटा सकते हैं। तो हटाने के लिए सिंपली आपको यहाँ पे क्लिक करना है इस वाले ऑप्शन पे, तो मैं जस्ट यहाँ पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे क्लिक करते ही आप किस कारण से आप हटा रहे हैं वो कारण देना है, तो जो भी कारण है वो आप यहाँ पे टाइप कर लेंगे। तो मैंने लिख लिया है नॉट वर्किंग ऑन माय ईमित्र, उसके बाद आप ओके पे क्लिक करेंगे। जैसे ही ओके पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे डाटा अपडेट सक्सेसफुली का ऑप्शन मिलेगा, और उसके बाद ड्रैग करते हुए वापस आप अंत में जाएंगे तो जो यूजर था वो यहाँ से हट जाएगा। तो इस प्रकार से जो भी यूजर आप अपने ईमित्र पे क्रिएट करते हैं उसको रिलीज करना है, हटाना है, तो इस प्रोसेस को फॉलो करके बड़े ही आसानी से हटा सकते हैं। जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन करें, जिससे भविष्य में ऐसे ही और वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो बाय बाय दोस्तों।